चेक कर लेते हैं फॉग लैंप्स ऑन होने के बाद IPH के साथ हमने HID लगाई है। अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो इसमें हमने सोनी का XAV 3000 नंबर लगाया। चलो अब मुझे बताओ भैया प्राइस क्या खर्चा आया है सारा। अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ ब्लैक करी गई है सारी। सो व्हाट्स अप पीपल, होप यू आर डूइंग गुड एंड योर स्पीडी सिंह इज बैक अगेन। सो पीछे आप देख रहे होंगे आज फिर से आए हैं ग्रैंड ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर एंड आज कुछ अलग सा दिखाने लगे हैं। सो इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड अब सीधा मिलते हैं कवल भैया से। हेलो, आज हम डिज़ायर दिखा रहे हैं आपको। डिज़ायर के अंदर हम लोग इंटीरियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें सीट कवर लगाएंगे, रूफ पे ब्लैक कलर का स्वेट लगाएंगे, स्टेयरिंग कवर है, पिलर्स हैं, दरवाजे हैं, गियर बूट है और लैमिनेशन है, उसके ऊपर ग्लास मेट डालेंगे। आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट को भी हम रेड करेंगे। तो ये हमारा काम होने लगा है इंटीरियर का। सर म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो सोनी का हम इसमें सिस्टम लगाने लगे हैं XAV 3000 नंबर। आगे कॉम्पोनेंट लगाएंगे DD का, एक मोनो लगाएंगे। भैया के पास अपना एक 4-channel एम्पलीफायर पड़ा हुआ है, एक रियर स्पीकर लगे हुए हैं, एक बूफर भैया का स्पाइनर पड़ा हुआ है, वो अटैच करेंगे। साथ में डैम्पिंग करेंगे भैया गाड़ी में और दो हम लोग वायरिंग किट डालेंगे। दूसरी डिज़ायर की बात करूँगा उसमें हम लोग हेडलाइट प्रोजेक्टर लगा रहे हैं और प्लस फॉग लाइट प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, वो दोनों ही IPH के हैं। तो अब आप देखो काम शुरू होता है। If you haven't subscribed this channel yet, then do subscribe and don't forget to press the bell icon if you want the latest updates. Like and share if you enjoy this video. So, जो आपने थंबनेल में प्रोजेक्टर्स देखे थे वो एक्चुअली मेरी गाड़ी में नहीं लगे, एक किस में लगे भैया एग्जैक्टली बताओगे? डिजायर है 2015 मॉडल, ठीक है, उसके अंदर हमने लगाया प्रोजेक्टर। ओके, हेडलाइट प्रोजेक्टर लगाया और प्लस हमने फॉग पे लगाया प्रोजेक्टर, ठीक है। सो दिखा देता हूँ, बाकी अब भैया आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे हमने लगाई हैं। जिस डिज़ायर की भी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हमने हेडलाइट के अंदर IPH का प्रोजेक्टर लगाया और प्लस हमने फॉग लाइट में भी इसका फॉग प्रोजेक्टर लगाया IPH का ही। और ये देख सकते हैं अगर आप, इसमें दो रिंग है, जो लोअर वाला इनर रिंग है वो वाइट कलर की LED है, जो आउटर वाला रिंग है उसमें ब्लू कलर की LED चलेगी, जो भी हमने कनेक्शन करना है अभी बंद किया हुआ अभी हमने। सो भैया प्रोजेक्टर इंस्टॉल करे हैं, स्टॉक आते नहीं, आपको भी पता है और हमें भी पता है। सो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या अभी तक हमने कोई इसके अंदर वायर कटिंग करी है या नहीं? इस पूरे प्रोसीजर में कोई भी तार नहीं कटती है, ना हमने हेडलाइट की तार काटी है, ना हमने फॉग लाइट की तार काटी है। प्लस जितनी भी वायरिंग हुई है हेडलाइट की भी रिले के साथ हुई हुई और फॉग लाइट भी रिले के साथ हुई हुई, ताकि ओरिजिनल वायरिंग पे लोड ना पड़े। और अगर हम बात करें वारंटी गारंटी की तो क्या हमें क्या मतलब प्रोविजंस मिलते हैं इस चीज़ के लिए? 1 year गारंटी आपकी HID की होती है विद ब्लास्टर एंड रिले एंड वायरिंग, ठीक है। जो रिंग लगी है हेडलाइट में उस रिंग की वारंटी नहीं आती पीछे से, बट ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो जाती है, कई सारे हम गाड़ी में आते लगा चुके हैं, कंप्लेंट नहीं होती। सो जो फ्रंट से कार का लुक आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एंड एक बार थोड़ा क्लोजर व्यू दिखाऊं। सो हेयर इट इज़, ये अभी फिलहाल सिर्फ रिंग जल रहा है कार के अंदर एंड फॉग लैंप्स भी साथ में ऑन हो चुके हैं। तो अभी मैं सिर्फ अभी रिंग्स पर फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ कि लुक कैसा आ रहा है। सो यस, एक एंग्री लुक मिलता है कार को फ्रंट से। सो एक बार ये आउटपुट चेक कर लेते हैं फॉग लैंप्स ऑन होने के बाद। IPH के साथ हमने HID लगाई है। सो हेयर इज़ दी आउटपुट एंड जैसे जैसे आपकी HID हीट अप होगी वैसे वैसे आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा, बट स्टिल आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आउटपुट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है राइट नाउ। एंड सामने से अगर हम देखें तो सो कार कुछ ऐसी लग रही है। फॉग लैम्प्स का आउटपुट आप देख चुके हो। अब फाइनली बात करते हैं हेडलैम्प्स की, हाई बीम एंड देन लो बीम। सो एक बार ही हाई बीम ऑन करते हैं। सो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू ब्राइटन अप एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि धीरे धीरे ब्राइट हो रही है, क्योंकि HID जो है वो हीट अप होकर ही ब्राइट होती है। सो दिस इज दी लो बीम एंड अगर हम हाई बीम की बात करें, डिपर आप देख सकते हो, दिस इज दी हाई बीम। सो काफ़ी ये यूजफुल चीज़ है अगर आप HID लगवा रहे हो। एंड यस, एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, कभी भी HID लगवा रहे हो तो प्रोजेक्टर्स में ही लगवाना, ऐसे मत लगवाना, वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है। बट ये वाला जो लुक है काफ़ी बढ़िया एंड सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम पूरा एक ओवरऑल लें कि हाई बीम मतलब यानी कि अपने हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स का क्या लुक आ रहा है, सो हेयर इट इज़। तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है HID का, IPH के प्रोजेक्टर्स का, हेडलैम्प्स में भी और फॉग लैम्प्स में भी, ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरी डिज़ायर की तरफ एंड उसमें देखते हैं ग्रैंड ऑटो पर क्या क्या काम हुआ है। सो लाइट का आउटपुट आप डिज़ायर में देख चुके हो। अब बात करते हैं इंटीरियर की। एक्सटीरियर लुक आपने एक डिज़ायर में चेक करा था एंड अब ये जो दूसरी डिज़ायर है ये अपना सिर्फ इंटीरियर के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली जो इसमें हुआ है काम वो ये है कि एक तो इसमें इंटीरियर का सारा काम हुआ है, फ्लोरिंग हुई है, देन मैट्स लगे हैं जैसे कि ग्रास मैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्लस म्यूजिक सिस्टम अपग्रेडेशंस
हुई है। सो अब चलते हैं कार के डीप में एंड जानते हैं कि सारा काम कैसा हुआ है। सो सबसे पहले अगर इंटीरियर के काम की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा सारा इंटीरियर हमने रेड करा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सारा इंटीरियर रेड हुआ है। एंड देन अगर फिटिंग एंड फिनिशिंग की बात करोगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से हुआ है, प्लस जो कलर चॉइस थी वो क्लाइंट की अपनी कलर चॉइस थी। और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कौन से कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। प्लस अगर हम डोर पैनल की बात करें सो हेयर इट इज़ कुछ ऐसा दिखने में लग रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉक मिलता है मारुति की तरफ से कलर, बट यहाँ पर रेड साका पीयू चढ़वाकर उसको रैप करवाया गया, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्लस एक थोड़ा कलरफुल लुक आ रहा है डोर के ऊपर देखने में। बाकी स्टिल इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा करवाना है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीट कवर्स जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से फिट करे गए हैं, रिंकल लेस, मतलब जितना बढ़िया तरीके से हो सकता है उतना बढ़िया तरीके से करा है। एंड हल्के फुल्के जो आपको रिंकल्स नज़र आ रहे हैं वो यूजेज के साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है, कोई मेजर रिंकल्स आपको नज़र नहीं आने वाले। सो हियर इज़ दी लुक। अगर हम बात करें यहाँ पर आर्मरेस्ट की तो आर्मरेस्ट भी हमने इंस्टॉल करा है उसके ऊपर, प्लस रेड वाला ही साका पीयू हमने लगाया है। एंड देन बात करें आर्मरेस्ट कौन सा रहने वाला है, सो दिस इज़ अ वुडन आर्मरेस्ट। एंड यस, हो सकता है मैं अपनी गाड़ी में भी लगाऊं क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। एंड ये डिज़ायर एंड स्विफ्ट में क्यों कामयाब है, क्योंकि नीचे आपको यहाँ पर कोई भी स्टोरेज नहीं मिलती, बट अगर आप ये लगवाते तो आपको काफ़ी प्लेंटी स्टोरेज यहाँ पर मिल जाती है। सो इंटीरियर का अगर एक दूर से लुक चेक करें तो कुछ ऐसा आ रहा है दिखने में। एंड यस, आई कैची इंटीरियर है, क्लाइंट की चॉइस थी, जैसा उनका मन था उन्होंने वैसे कराया। बट अगर बात करें कि इंटीरियर लग कैसा रहा है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से लगाया गया इंटीरियर को, यानी कि इंटीरियर का काम करा गया है। एंड फिनिशिंग एंड फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर पिलर की बात करें तो पिलर्स पे कुछ ऐसा आपको रैपिंग मिलेगा जो हमने मटेरियल लगाया है, एंड वहाँ पर भी कुछ सेम है। अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ़ ब्लैक करी गई है सारी वेलवेट के अंदर, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रही है, लाइक इट इज़ गिविंग अ प्रीमियम लुक एंड बहुत अच्छा लग रहा है इसको फील करने में, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस। एंड आप इतना समझ भी नहीं पाओगे कि यार बेसिकली ये चीज़ क्या, बट लगवाने के बाद काफ़ी बढ़िया फील होता है इंटीरियर पे। सो डर्ट से गाड़ी को बचाने के लिए, यानी कि गाड़ी गंदी होने से बचाने के लिए फ्लोर मैट्स तो यूज़ करे ही हैं, उसके नीचे फ्लोर लैमिनेशन भी करी है। सो फ्लोर लैमिनेशन का लुक कुछ ऐसा आता है, इसको हम बर्फी डिज़ाइन बोलते हैं, क्विल्ट डिज़ाइन बोलते हैं, डायमंड कट डिज़ाइन बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो इसको हम बोल सकते हैं। सो ये भी हमने करा है एंड इसकी फिटिंग भी काफ़ी बढ़िया आई है, लाइक आगे से तो आपने देख ली, अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे से कुछ ऐसा लुक है। सो एक आइडिया आपको इसके बारे में भी मिल गया होगा, प्लस आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ब्लू इल्यूमिनेशन भी आ रहा है गाड़ी के अंदर। सो दिस इज़ एम्बियंट लाइट्स जो कि हमने इंस्टॉल करी हैं, ये आगे पीछे दोनों इंस्टॉल होती हैं, ये आपको पता ही है। सो इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। फीचर्स आपको एम्बियंट लाइट्स के बारे में बहुत सारे पता हैं। अगर बात करें स्टेयरिंग रैप की तो स्टेयरिंग रैप भी हमने इंटीरियर से ही मैचिंग करा, यानी कि रेड एंड ब्लैक, जिसमें मेजरली ब्लैक नहीं यूज़ करा गया, रेड यूज़ करा गया है। एंड स्टिचिंग जो है वो रेड से करी गई है। सो इसकी भी फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया है, कॉर्नरिंग हर जगह से काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको फिट एंड फिनिश दिया गया है। सो जो कपड़ा हमने यूज़ करा है डिज़ायर के अंदर, साका पीयू देख लो, ये होता है बेसिकली साका पीयू, मायूर का एक कह सकते हो वेरिएंट है, जैसे अपने होते हैं ना LDI VDI, वैसे ही मायूर का एक प्रोडक्ट है साका पीयू। सो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे शेड्स मिल जाते हैं, ये पंचिंग वाला मटेरियल है, ये भी पंचिंग वाला है, एंड बहुत सारे शेड्स हैं इसके अंदर, एंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो इसमें हमने सोनी का XAV 3000 नंबर लगाया है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जिसमें दोनों हैं, और प्लस हमने इसमें स्पीकर्स लगाए हैं ई सीरीज के कॉम्पोनेंट DD ऑडियो के, प्लस हमने एक मोनोब्लॉक दिया भैया को हमान का, 4 चैनल भैया के पास ऑलरेडी था, पीछे ओवल इनका लगा हुआ था ट्रे में, और वूफर उनके पास पाइनी लगा था, 311 नंबर आए थे। प्लस हमने 2 वायरिंग किट दी हैं और सिस्टम तैयार हो गया, आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है, वोकल्स काफ़ी अच्छे हैं आप जानते ही हैं। इसमें हमने TS-20 भी दी है, जो आपने सिर्फ पहले वीडियो में देखे थे ओरिजिनल प्रॉपर ऑफिशियल वाले, तो वोकल वगैरह ट्रैवल इसकी बहुत अच्छी है, और ऊपर तो पाइनियर का मतलब आप कह सकते हो कि इनके पास बहुत अच्छा खजाना पड़ा हुआ था 4 साल पुराना, वो लगा दिया, आउटपुट काफ़ी अच्छी है। सो जैसे कि भैया आप मुझे बताया कि सोनी XAV 3000 हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है, हाँ जी, तो थोड़ा सोनी XAV 3000 के बारे में बताइए। जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है एप्पल कारप्ले कंपैटिबल एंड्रॉयड ऑटो कंपैटिबल, जैसे आप वाइड करते हैं अपने फ़ोन को स्टीरियो के साथ में तो आपके ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें आप जैसे देख पा रहे होंगे डेमो चल रहा है अभी एप्पल कारप्ले का, तो ऐसे आपकी ऐप्स आ जाती है, गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं आप लोग,
काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, एक आध ऑप्शन आपको ओके करना है, अलाउ करना है, उसके बाद ही कनेक्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अल्टीमेटली जैसे हम लोग बाकी स्टीरियोस में देखते हैं, बहुत तामझाम होता है, पहले ये करो वो करो उसके बाद स्टार्ट होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खत्म होगी लेकिन भाई हम यहीं के यहीं बैठे हैं, आप देख लो काम हमारा खत्म हो चुका है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो चुकी हुई है। चलो अब मुझे बताओ भैया, प्राइस क्या खर्चा आया है सारा? जो हमने इंटीरियर किया है वो हमने किया है 17,500 रुपीज का, जिसमें लेमिनेशन भी इंक्लूडेड है, जो आपने देखा इंटीरियर भाई की वीडियो में, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है जी, आमरेस्ट अलग है 1,000 रुपये का, क्योंकि वो भी 1,000 रुपये इसलिए, वैसे 800 रुपये का आमरेस्ट होता है, उसमें हमने कपड़ा लगाया लाल रंग का अलग से। सो यहाँ तक तो बात थी कि हमने इंटीरियर में क्या क्या काम करा है। अब अगर हम बात करें म्यूजिक सिस्टम की, सो उस पे बेसिकली भैया का क्या खर्चा हुआ था? उस पे आप स्टीरियो के समेत आप टोटल अगर लेके चलो तो 50-55,000 के अराउंड में लग गए थे आपके। ठीक है, और अगर हम बात करें अब प्रोजेक्टर्स की, जो हमने इंस्टॉल करें दूसरी डिज़ायर के अंदर, तो उस पे क्या खर्चा आया? हेडलाइट प्रोजेक्टर के हमने लिए 10,000 रुपीज़ और फॉगलाइट के लिए हमने 6,500 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप आपको एक पूरा आइडिया मिल गया होगा कि क्या खर्चा कितना हुआ है, एंड काम का आइडिया आपको मिल गया होगा कि कहीं कि भाई बहुत बढ़िया काम हुआ है यहाँ ग्रैंड ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर। सो लगभग आइडिया का भी प्राइस आपको मिल चुका है, एंड अब बात रही कि यार विजिट कैसे करना है, तो नीचे जाओ और वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, प्रेस करो और यहाँ पर सीधा पहुँचोगे। ठीक है, और भाई एक बार अपना फ़ोन नंबर बता दो। 0114145-1600 यहाँ पर कहीं पर फ्लैश भी हो रहा होगा, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो फाइनली ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड ये पीछे देख लो सारे ऑटोफोम का पूरा सेटअप हो चुका है। यहाँ पर किसी को ऑटोफोम में सीट कवर चाहिए तो वो भी आपको ग्रैंड ऑटो पर मिल जाएंगे, एंड ग्रैंड ऑटो को अगर फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर, एंड छोटे छोटे अपडेट्स जानने एक्सेसरीज के बारे में, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर, जाओ लिखो speedysingh13 और नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का। तो फाइनली ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।